हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ना बिल्कुल रिक्वेस्टेड है कि आज मैं बताने जा रही हूँ कि हमने जो ब्रेड जो रखी रहती है फ्रीज में वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, कुछ बच जाती है तो ये देखिए मैंने जो लाया था ना, तो मेरे पास भी ये देखिए कुछ बची हुई है, तो बिल्कुल मैंने फ्रीज पर रख दी थी, तो ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, बिल्कुल कड़ा हो गया है। तो इसे हम किस तरीके से सॉफ्ट करेंगे, कोई ऐसी रेसिपी हम तैयार करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। तो ये देखिए फोल्ड करने के बाद ये देखिए क्रैक आ जाता है, इस तरीके से आपके भी ब्रेड में आते होंगे। तो चलिए उसी का सोल्यूशन आज हम बताने जा रहे हैं, तो इसके साथ हम एक रेसिपी भी आपको बताएंगे। तो इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल बनाएंगे, तो बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल ताजी ब्रेड है। तो किस तरीके से करते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले हम सबसे क्या करते हैं, इसके हम मसाला पहले तैयार कर लेते हैं ताकि हम जब इसे सॉफ्ट करें ना तो अच्छे से हम इसे फिल करके आपको बता सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 2 पीस आलू लिया है, तो 2 पीस आलू ये बॉयल आलू है, बॉयल करके मैंने फ्रीज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये ठंडी हो चुकी है। उसके बाद आप ना एक फॉग ले लीजिए, उसे अच्छे से मैश कर लीजिए, या पोटैटो मैशर ले लीजिए, इस तरीके से मैश कर लीजिए, या ग्रेटर से आप ग्रेट भी कर सकती हैं, तो आपको जो भी सुविधा हो जो भी आसानी हो इस तरीके से आप अच्छे से मैश कर लीजिएगा, ताकि बिल्कुल अच्छे से स्मूथली ये मैश हो जानी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मैश हो गए हैं, इसी तरीके का हमें चाहिए। तो अगर आप पोटैटो मैशर से आप मैश करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से ये मैश हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये मैश हो चुकी है। तो चलिए अब थोड़े बहुत इसमें हम सब्जी ऐड कर देंगे, जो भी सब्जी आपको पसंद हो ना इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए आप अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिया है, यहाँ 2 से 3 चम्मच मैंने शिमला मिर्च भी डाला है बिल्कुल बारीक कटिंग करके, जो भी आप सब्जी डालेंगे ना इसमें बिल्कुल बारीक कटिंग करके डालिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर गाजर भी ली है तो ये भी 3 चम्मच है, तो अगर आप यहाँ पर गोभी हो तो उसे भी आप ग्रेट करके डालिएगा, डाल दें, बीन्स हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, यानी पत्ता गोभी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो वेजेस जो है आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी है 2 पीस, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर हल्के फुल्के से मसाले जाएंगे लेकिन बहुत ही टैंकी से फ्लेवर आएंगे। तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है आधा चम्मच के करीब। यहाँ पर डाला है मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, और 1/4 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पर गर्म मसाला पाउडर, थोड़ा ही डालेंगे ज्यादा नहीं। काली मिर्च का पाउडर डालिएगा 2 पिंच, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि वो फिर तीखा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे चाट मसाला, चाट मसाला आधा चम्मच डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है, अमचूर पाउडर है वो आप डाल करके यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह पे काला नमक भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स का भी यूज कर रही हूँ, तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आपको जितना तीखा बनाना हो आप यहाँ पर तीखा बना सकते हैं। और आधा चम्मच यहाँ पर ऑरिगेनो डाल दिया है ताकि इसका फ्लेवर एक अच्छा सा आ सके, तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और बाकी मसाले हम यहाँ पर अभी नहीं डालेंगे क्योंकि अब इसमें कोई भी ऐसा मसाला इसमें यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे कि धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, ये सब मैंने यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि इतने ही मसाले में ये बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं, ठीक है। इसके थोड़े से चटपटे बनाने के लिए ना आप लेमन का जूस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब चलिए बारी आती है कि हम ब्रेड को किस तरीके से सॉफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक पैन ले लीजिए या कढ़ाई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए, ठीक है। गैस को ऑन कर दीजिएगा, मीडियम रखिए गैस को। उसके बाद एक जाली वाला इस तरीके से, या दूध को ढकने वाली जाली होती है ना कोई, या आपके पास कोई भी ऐसा जाली वाला बर्तन हो ना, बस उसे आपको ले लेने हैं, ठीक है। इसके ऊपर से आपको रख देने हैं। अब ये देखिए ये हमारे ब्रेड है जो बिल्कुल टाइट हो चुके हैं, अब इसे हम सॉफ्ट करेंगे। तो ये देखिए हल्की हल्की सी जो है इसमें भाप आने लगी है, भाप जो है पानी में बनने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेड को ना इसके ऊपर हम रख देंगे जाली के ऊपर, ठीक है। जितना भी ब्रेड हो आप इसके ऊपर लदे ऊपर रख सकते हैं, जितना भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ना इस तरीके से रखेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि साइड जो कॉर्नर है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो, पैन हो, उतना ही जितना स्पेस हो आपके बर्तन में ना उतना ही आपको रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ब्रेड को बाहर निकाल दीजिए, ये देखिए थोड़ी सी बाहर निकल रही थी तो मैंने इसे अंदर कर दिया, क्योंकि उस जगह पे ना वहां पर टाइट हो जाएगी, इसलिए पूरे को कवर करना बहुत जरूरी है। इसके हम 1 मिनट कवर करेंगे, ज्यादा नहीं करना है, उसके बाद लीड को हटा देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो ये देखिए
गैस का फ्लेम हमें ना अभी हाई करना है जब तक पानी में बॉयल नहीं आ जाता है। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा गैस को मीडियम कर दीजिएगा और ये देखिए अलर्ट दीजिए, पलट दीजिए और नीचे साइड वाले जो ब्रेड है वो उसे ऊपर कर दीजिए और ऊपर के साइड के ब्रेड को नीचे कर दीजिए। इस तरीके से 2-4 बार इसी तरीके से आपको रिपीट करना है। आपको अगर लीड को लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरीके से आप अलटते पलटते रहिए। बस ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, तो ये देखिए हिला करके मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल ताजी ब्रेड के जैसे लग रही है ना, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सी हो गई है। तो इससे अब कोई भी ऐसी रेसिपी आप तैयार करेंगे ना तो बिल्कुल टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं, बिल्कुल ही स्मूथली बनेगी। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि ये सॉफ्ट हो गई है ब्रेड ना, तो अब इस ब्रेड को आपको पूरे ब्रेड को नहीं निकालना है। तो गैस को मैंने कर दिया बंद। अब यहाँ पर एक टिप्स है कि अगर आप कोई ऐसी रेसिपी बना रहे हैं तो आप एक एक पीस करके इसी में आप ना निकालते जाइए और बाकी जितनी भी ब्रेड है उसी जाली पर आपको छोड़ देने हैं। तो ब्रेड को हम क्या करेंगे, इसकी हम एक रेसिपी बना रहे हैं तो इसे हम क्या करेंगे, चलिए बेलन से भी बेल लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से बेलन से बेल लेते हैं। अगर ये टाइट होती तो बिल्कुल फट जाती, बिल्कुल नहीं बेल पाते हम। तो इसे देखिए बिल्कुल आसानी से हम बेल सक रहे हैं, इसलिए मैं आपको बेल के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो ये देखिए बिल्कुल लचीला हो बन गया ना, बिल्कुल लग रहा है ना ताजा सा ब्रेड हो गया है। अब ये देखिए, अब ये जो स्टफिंग मैंने तैयार की थी ना, अब यहाँ पर एक साइड में रखेंगे, थोड़ा सा हम साइड को हटा देंगे, यानी कि साइड को छोड़ते हुए हम रखेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, एक साइड से जो है पूरे चारों तरफ से ना यहाँ पर पानी लगा दीजिए। अगर आपकी ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है अच्छे से ना, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि HS का भी यूज कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे पानी लगाने की जरूरत पड़ रही है। आप अगर कॉर्नर को काटना चाहेंगे तो आप यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाह रही थी तो इसलिए मैंने पूरे ब्रेड को यूज कर लिया। तो थोड़ा सा पानी लगा लिया मैंने ताकि ये अच्छे से चिपक जाएगी। तो ये देखिए बची हुई ब्रेड जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और इस तरीके से अगर आप फ्रीज से डायरेक्टली निकालेंगे और कोई भी ऐसी रेसिपी बनाएंगे ना, बिल्कुल नहीं बन पाएगी। और इस तरीके से पानी लगाते हुए आप इसे अच्छे से स्मूथली से आप इसे ना अच्छे से पैक कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पैक हो गई ना। तो चलिए मैं आपको दूसरे पीस भी इसी तरीके से मैं बना करके दिखा देती हूँ, कितना लचीला हो रहा है ना। तो देख करके आपको अंदाजा लग रहा है ना फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल लग रहा है ताजा ब्रेड है, तो लेकिन ये बिल्कुल ना 2 दिन पुराना ब्रेड है, तो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि ये 2 दिन पुराना है ब्रेड। तो मैंने फ्रीज में रख दिया था और उसके बाद में आपको ये करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी तरीके से हम इसे भी बेल लेते हैं, कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज मुझे जरूर से बताएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम स्टफिंग लगाएंगे। तो इसी तरीके से आप जो भी रेसिपी इस ब्रेड का तैयार करना चाहेंगे ना, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रेसिपी अगर हमें हमें बनानी होती है और ब्रेड बिल्कुल हार्ड हो जाता है तो वो हम नहीं बना पाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल आसानी से मैंने बताया है इसे सॉफ्ट करना, बहुत ही आसानी से सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि ये पानी से जो भाप आती है ना, तो इससे जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको जितनी भी ब्रेड आपको जिस टाइम पे भी आपको चाहिए सॉफ्ट करना, बस बहुत आराम से इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत आसानी से ये पैक हो गए हैं ना। तो इसी तरीके से जितने भी आपको पॉकेट्स बनाने हैं तो इसी तरीके से आप बना लेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड को बना लिया है, तो ये देखिए मैं आपको फोल्ड करके भी दिखा रही हूँ क्योंकि स्पेशल जो है आपका ये आज का वीडियो बिल्कुल ब्रेड पे ही है, क्योंकि ये इसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे ना हम फ्राई करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक ही चम्मच से हम फ्राई करेंगे, ज्यादा हम यहाँ पर ऑयल की यूज नहीं करने वाले हैं। तो मैंने तवे पर ही इसे ना एक चम्मच यहाँ पर ऑयल डाल दिया था और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तभी आपको इसमें नाश्ते को डाल देने हैं। एक चीज का ध्यान रखना है क्योंकि ये ब्रेड का नाश्ता है तो ऑयल एब्जॉर्ब करती है, तो कम ही ऑयल में आप इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा, इस क्योंकि ना जितनी भी ऑयल आप डालेंगे ना तो ये एब्सॉर्ब कर लेगी। गैस का फ्लेम हाई रखना है और फटाफट से इसे टर्न कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से ब्राउन हो जाती है, इसलिए इसे जो है अब गैस को ना बिल्कुल लो कर दीजिए। लो फ्लेम पर इसे अच्छे से अब एक साइड से और पकने दीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल क्रिस्पी और करारी भी बन चुकी है।
तो इसे आप हल्के हल्के इस तरीके से प्रेस कर दे बस। अब ऊपर से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऑयल को और डाल देंगे, क्योंकि जितना भी ऑयल मैंने डाला था ना सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसीलिए ना इसे ब्रेड का को ऐसा नाश्ता अगर आप बनाते हैं बिना कोटिंग के, यानी कि कोई भी ऐसा कोटिंग अगर आप इस पर सैलरी बना करके कर लेते हैं, ब्रेड क्रम्स इस पर कोटिंग कर लेते हैं, तो वो नाश्ता आप ना बिल्कुल फ्राई करके आप निकाल सकते हैं, उसमें ऑयल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप डायरेक्टली आप सिर्फ ब्रेड को ऑयल में डालेंगे ना तो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ टिप्स बताती चलती हूँ कि ताकि आपको कोई ऐसी परेशानी ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए हर एक चीज़। तो ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से मैंने इसे सेक लिया है, बहुत अच्छे से ये रोस्टेड हो चुकी है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं, इतनी ही क्रिस्पी बनी है और अंदर की फिलिंग्स भी बहुत ही चटपटी बनी है। तो और ये देखिए बिल्कुल खुली भी नहीं है। तो ये देखिए बासी ब्रेड का बिल्कुल अच्छा सा नाश्ता बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो कोई नहीं पकड़ पाएगा कि ये आपने बची हुई ब्रेड से आपने इस नाश्ते को तैयार किया है। तो ये ब्रेड का नाश्ता, आपकी रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। तो ये देख देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और करारा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए हम आपको कटिंग करके भी दिखा देते हैं। तो इस तरीके से तोड़ नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करें, क्योंकि चूंकि गर्म है तो मैं इसे आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी है ना, आपको कटिंग करने से ही अंदाजा लग रहा है कि इतना करारा बन गया। तो ये देखिए अंदर की फिलिंग्स, आप इसे टोमेटो केचप के साथ खाइए, बहुत ही मजे के लगेंगे। तो और फिर मिलते हैं एक नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और अपना फीडबैक मुझे जरूर से दें फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।